नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केएन मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीएस का 29वां टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हूं। यह सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराया जाता है। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने इसके पहले की सीरीज नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है। ऑप्शन ए द यूनियन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी द यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी है भारत। तो 300 के अनुच्छेद 300 के अनुसार क्या नाम है भारत की सरकार का कानूनी नाम? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया है, एक तरफ खरपतवार दिया है। तो ऑप्शन ए है गेहूं, फलेरिस माइनर दिया है। ऑप्शन बी है धान, बथुआ दिया है। ऑप्शन सी है मटर, प्याजी दिया है। और ऑप्शन डी है बरसीम, कासनी दिया है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए, गेहूं में फलेरिस माइनर होता है, सही है। मटर में प्याजी होता है, बरसीम में कासनी होता है, लेकिन बथुआ जो है ये गेहूं में पाया जाता है, धान में नहीं पाया जाता। तो यही ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना, यही मिलान नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में वस्तुओं की स्थिति, डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है सेक्सटेंट और ऑप्शन डी है सोनार। तो आपको पता है कि डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए या समुद्र की गहराई मापने के लिए क्या किया जाता है? सोनार। डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही है। निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है आपको ये बताना है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन ए है ऊन, ऑप्शन बी है रेशम, ऑप्शन सी है चमड़ा और ऑप्शन डी है नायलॉन। तो इसमें से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो हो जाएगा कौन सा है, ऑप्शन डी नायलॉन होगा। ठीक है, नायलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यह कृत्रिम बहुलक है और यह न्यूयॉर्क प्लस लंदन को मिला के नायलॉन का नाम बनाया गया है। ठीक है ना, चलिए तो इसका डी ऑप्शन सही है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है, ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी है मध्य मंडल में, ऑप्शन सी है समताप मंडल में और ऑप्शन डी है आयन मंडल में। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, आप अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत है समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। थोड़ा सा गला आज अच्छा नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा क्योंकि लगता है सर्दी जुकाम की संभावना है, तो गले में खरखराहट है थोड़ी सी। ठीक है, चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है ये बताना है आपको कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार। ऑप्शन ए है आय का आंकड़ा, ऑप्शन बी है बचत आंकड़ा, ऑप्शन सी है उपभोग आंकड़ा और ऑप्शन डी है निवेश आंकड़ा। तो भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? तो ये हो जाएगा उपभोग आंकड़ा। ठीक है, उपभोग आदमी कितनी वस्तुओं का उपभोग कर पाता है, जरूरत की चीजों का उपभोग कर पाता है कि नहीं है कर पाता है, इसी आधार पर भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत है, ऑप्शन ए है दारुण अवधी ब्रज, ऑप्शन बी है करुणा भक्ति सायरा, ऑप्शन सी है द्रुपद ब्राज करुड़ा और ऑप्शन डी है बिरहा चैती और ढोला।
इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं बताइए। चलिए देखिए, ऑप्शन डी है बिरहा, चैती और ढोला, ये है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना, आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाडा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है वैमानिकी से, ऑप्शन बी है डोप टेस्टिंग से, ऑप्शन सी है बीमा से और ऑप्शन डी है स्टॉक एक्सचेंज से। तो वाडा का संबंध किससे है? देखिए वाडा जो है, आपने अक्सर सुना होगा कि इस खिलाड़ी को वाडा ने डोप टेस्टिंग में पकड़ा, इस खिलाड़ी को वाडा ने डोप टेस्टिंग में पकड़ा। तो वाडा जो है डोप टेस्टिंग से संबंधित है, वाडा का संबंध ठीक है ना, डोप टेस्टिंग से है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। क्या है? उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद में और ऑप्शन डी है बरेली में। तो उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है, इलाहाबाद में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी है साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें कौन से हैं जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो देखिए इसमें सही होगा ऑप्शन डी, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हमारी ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की टेस्ट सीरीज है, इसीलिए इसमें हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं, जो प्री परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आप इन प्रश्नों के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इन प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, ग्रैंड बैंक स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ऑप्शन बी है पश्चिमी यूरोपीय तट पर, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर और ऑप्शन डी है अफ्रीका के पूर्वी तट पर। तो ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? यह है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ठीक है ना, ये मछली मारने के लिए, मत्स्यन के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ग्रैंड बैंक स्थित है, तो सी ऑप्शन सही है। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? आपको ये बताना है तेल शोधक कारखाना कहाँ नहीं है। ऑप्शन ए है नून माटी, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी है कोयली, ऑप्शन डी है हटिया। तो यहाँ कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? देखिए नून माटी कहाँ है? असम में है, यह असम में है नून माटी। बरौनी कहाँ? बिहार में है। कोयली गुजरात में है। ये तीनों तेल शोधक कारखाना है, जबकि हटिया में तेल शोधक कारखाना नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है संविधान, ऑप्शन बी है न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन सी है न्यायविदों के मत, ऑप्शन डी है संसदीय कानून। तो इसमें हो जाएगा जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो केशवानंद भारती मामले से आया था, तो उसमें क्या हुआ था, उसकी न्यायिक व्याख्या से ये कानून निकल के, मूल ढांचे का सिद्धांत निकल के आया था। तो ऑप्शन बी सही है, न्यायिक व्याख्या। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है, किसके संबंध में बताना है? अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम बताना है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ऑप्शन बी है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम।
ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। तो इसमें कौन सा सही होगा? अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्ष और ऑप्शन डी है पुलकेशिन द्वितीय। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है रबड़ थाईलैंड, ऑप्शन बी है कहवा मंगोलिया, ऑप्शन सी है जैतून स्पेन और ऑप्शन डी है गन्ना ब्राजील। तो इसमें क्या सुमेलित नहीं है? देखिए रबड़ थाईलैंड में होता है, जैतून स्पेन में पाया जाता है और गन्ना ब्राजील में होता है। कहवा जो है मंगोलिया नहीं है। ठीक है ना, कहवा मंगोलिया नहीं है, कहवा ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, मंगोलिया में नहीं होता। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी है केवल राज्य विधानसभाओं में और ऑप्शन डी है संसद के किसी एक सदन में। तो जो संविधान में संशोधन हो की पहल हो वह क्या हो सकता है? वो संसद के किसी भी सदन से शुरुआत की जा सकती है। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रिनलिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा वो है जो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये हो जाएगा एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोईउद्दीन, ऑप्शन बी है फरीदुद्दीन, ऑप्शन सी है निजामुद्दीन औलिया और ऑप्शन डी है नासिरुद्दीन। तो कौन है जिसे चिराग दिल्ली कहा जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन, देखिए नासिरुद्दीन चिराग देहलवी कहा जाता था, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, ये सूफी संत थे जिन्हें चिराग दिल्ली कहा जाता था, डी ऑप्शन। ठीक है, आज के 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हवा। तो प्रदूषण युक्त जो वायुमंडल होता है उसको स्वच्छ करने के लिए क्या किया जाता है? वहां से बारिश करा दी जाती है ताकि बारिश के साथ सारा प्रदूषण जमीन पे चला आता है। ठीक है ना, तो 20वें का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों ये हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है, इसलिए इसमें हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इसमें किसी प्रश्न की व्याख्या नहीं देते हैं, जहां बहुत आवश्यकता होती है वहीं देते हैं, क्योंकि प्री परीक्षा में हमेशा उत्तर सामने होता है और इसका उद्देश्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पढ़ ले जाएं ताकि एज इट इज वह परीक्षा में आपके समक्ष आ जाए और आपसे प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।